फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में सामूहिक हत्याकांड में नामजद प्रेम यादव समेत 5 आरोपियों के घर पर शुक्रवार की शाम प्रशासन ने सरकारी जमीन से बेदखली का नोटिस चस्पा किया। नोटिस के माध्यम से आरोपियों पर जुर्माना लगाने के साथ ही जवाब देने के लिए एक दिन यानी शनिवार तक की मोहलत दी गई है। कहा यह भी गया है कि तय अवधि में सरकारी जमीन खाली नहीं की गई तो प्रशासन का बुलडोजर चल जाएगा। नोटिस चस्पा होने के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। सरकारी जमीन पर मकान बनवाने के मामले में प्रेम यादव पर 31,000 और 4 अन्य आरोपियों पर 39,000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि शनिवार तक जमा करनी है। दरअसल लेखपाल ने रिपोर्ट है कि इन आरोपियों ने सरकारी जमीन पर मकान बनवा लिया है। इसके बाद तहसीलदार कोर्ट में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के पिता समेत 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 67(1) के तहत केस चलाया गया। नोटिस चस्पा होने के बाद अब कभी भी इन 5 मकानों पर बुलडोजर चल सकता है। लेखपाल की रिपोर्ट के मुताबिक फतेहपुर गांव के अभयपुर टोले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के पिता राम भवन यादव, परमहंस यादव समेत 5 लोगों के मकान सरकारी जमीन पर बने हैं। इसमें वन विभाग और एक इंटर कॉलेज की जमीन शामिल है। सामूहिक हत्याकांड के बाद जांच में ये जानकारी मिली तो प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। शुक्रवार को सरकारी जमीन से बेदखली की कार्रवाई शुरू होते ही गांव के लोग सकते में आ गए। शाम को तहसील के कर्मचारियों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के पिता राम भवन यादव, परमहंस यादव, गोरख यादव समेत 5 लोगों के मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया। आपको बता दें कि फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में सामूहिक हत्याकांड में नामजद प्रेम सहित अन्य आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई 4 अक्टूबर को ही होनी थी, पर कानूनी पेच के कारण मामला टल गया था। धारा 67 के तहत आरोपियों को नोटिस नहीं दिया गया था, इसके कारण बुलडोजर को लौटना पड़ा। इस प्रक्रिया को अब पूरा कर लिया गया है, अब बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। दरअसल देवरिया जिले में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में सोमवार को सुबह 6 बजे जमीन के विवाद में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। इससे गुस्साए पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पति पत्नी और उनके 3 संतानों की गोली मारकर और धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी थी, जबकि एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में पुलिस ने बुधवार की रात कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पुलिस की कार्रवाई से आरोपियों के सगे संबंधी भी सहमे हुए हैं। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। गांव में हर आने जाने वाले का रिकॉर्ड पुलिस तैयार कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।